तो शुरू करें बेयर विलीजर ऑक्सीडेशंस, हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, पहले एक जनरल वे देखते हैं कि इसमें होता क्या है। यानी हम बात कर रहे हैं, एक हमने ले लिया कार्बोनाइल, लिख लीजिए, और हमारे लिए हो गया परोक्सी एसिड। जब ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो कार्बोनाइल एस्टर में चेंज हो रहा है, लिखते जाएं मेरे साथ, और परोक्सी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो रहा है एसिड। ये है इसके लिए जनरल रिएक्शंस। यानी आपको इसमें ये समझ में आ रहा है, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का रिडक्शन हो रहा है। तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ध्यान से देखिए, कार्बोनाइल, अगर हम बात करेंगे, ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एस्टर में। समझ में आ रहा है? तो बताइए इसका क्या हो रहा है, इस जगह ऑक्सीडेशन या रिडक्शंस, ऑक्सीडेशंस, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशंस, इज दैट क्लियर। दूसरी तरफ हमारे पास एक परोक्सी एसिड है, परोक्सी एसिड में परोक्सी लिंकेज देखने को मिलेगा आपको, इसका क्या होगा, रिडक्शंस हो रहा है। यानी ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो रहा है, रिडक्शन होके नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड में, आर सी डबल बॉन्ड ओ, हम यहां चाहें तो आर लिख सकते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच में। तो यहां इसका क्या हो रहा है, रिडक्शंस, लिखते जाएं। तो कुल मिला के इस पूरे ऑक्सीडेशन प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशंस। ये तो जनरल हुआ। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ परोक्सी एसिड्स कार्बोनाइल कंपाउंड्स ऑक्सीडाइज्ड इन एस्टर कॉल्ड बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन, इज दैट क्लियर। तो डेफिनेशंस आपके पास क्लियर रखिए, इन प्रेजेंस ऑफ परोक्सी एसिड कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड ऑक्सीडाइज्ड इन एस्टर कॉल्ड बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये लिखिए जल्दी से, क्या आपको बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन क्लियर हो गया? ठीक है, अब आगे बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन की मैकेनिज्म किस तरह से होगी, देखिए, सीखिए इसको। तो यहां हेडिंग डाल लीजिए मैकेनिज्म, कैसे ये मैकेनिज्म हुई है, देखिए ध्यान से, कार्बोनाइल कंपाउंड है, ठीक है, आपके पास यहां पर क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर दिख रहा है आपके पास। सबसे पहले रिएक्शन स्टार्ट होगी कार्बो पर एसिड से, यानी यहां से ये अपना एक प्रोटॉन देगा आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस ओ ओ माइनस एच प्लस। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये जो H प्लस बन रहा है, ये H प्लस अपने आप में क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करेगा जहां लोन पेयर की टेंडेंसी इसको दिखाई देगी। यानी स्टेप सेकंड में हमारे को इस तरह का कुछ दिखाई दे रहा है कि बनने वाला H प्लस अटैक कर रहा है इस ऑक्सीजन पे। तो जब इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, आर सी आर डबल बॉन्ड ओ, और हमारे पास यहां पर एच मिलेगा और ये प्लस होगा, सही है। अब क्या ये ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज स्टेबल है, नहीं है। तो जब ये ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज स्टेबल नहीं है तो यहां बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, जिससे कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, प्लस। तो कुछ इस तरह का आपको कंपाउंड देखने को मिलेगा स्टेप थर्ड के अंदर, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच आर प्लस, कंटेनर में एक और है हमारे पास आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ ओ माइनस, ये वाला माइनस चार्ज आपके साथ है और यहां अभी प्लस चार्ज भी है। तो ये बॉन्ड की शिफ्टिंग कुछ इस तरह से होगी, ये इस तरफ अटैक करेगा कार्बोनाइल की इस प्लस चार्ज पे, ये वाला बॉन्ड इस तरफ से शिफ्ट होगा यहां पर।
तो फाइनली आपको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो आपको कुछ इस तरह का मिलेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ का आप सिंगल बॉन्ड हो जाएगा ओ एच आर ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ और आर। क्या आपको यहां तक समझ में आ गया, क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? अब बताइए क्या एक ही कार्बन पे दो ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप स्टेबल होंगे? नहीं, बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होंगे। तो स्टेप थर्ड में कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा, आर सी ओ एच आर ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर। ये वाला ध्यान से सुनिएगा, ये वाला बॉन्ड पूरी यहां तक शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से। कोई बहुत बड़ा लिविंग ग्रुप नहीं है तो यहां पर ये वाला बॉन्ड हाईली अनस्टेबल है, ये इस तरफ शिफ्ट होगा, ये वाला इस तरफ शिफ्ट होगा। जब यहां पर शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी कुल मिला के हम ये बात कर सकते हैं कि ये वाला हाइड्रोजन इस पॉइंट के साथ अटैच हो जाएगा। तो हम बॉन्ड की शिफ्टिंग को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वाला बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बनेगा, ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूट के यहां आएगा, ये वाला आर हमारे पास इस तरह से अटैच होगा। तो फाइनल कंपाउंड आपको क्या देखने को मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, सी ये डबल बॉन्ड में चेंज हो गया, शुरू से स्टार्ट करते हैं, सी ये डबल बॉन्ड में चेंज हो गया, इज दैट क्लियर? यहां दो आर हैं, एक आर अभी भी बच रहा है, ये एक आर बच रहा है, ये वाला आर इस ओ पे जुड़ रहा है, यानी कि ओ और फिर ये आर, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, सी डबल बॉन्ड ओ आर ओ एच, यानी हमने जो लिखा था, क्या लिखा था, पर एसिड किसमें चेंज हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और कार्बोनाइल किसमें चेंज हो रहा है, एस्टर में। आपको वैसे ही दिख रहा है, ये एस्टर मिल गया और आपको यहां मिल क्या मिल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इज दैट क्लियर? तो यहां तक ऑक्सीडेशन हुआ है और एक का रिडक्शन हुआ है, लेकिन हमारा मेन रिएजेंट, हमारा मेन सब्सटेंस कौन था, कार्बोनाइल, उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये बेयर ने बताया था, तो बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन, इज दैट क्लियर? लेकिन अभी भी क्वेश्चंस और बाकी हैं, आप इसको लिखें पहले। देखिए हमने बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन करा, अब कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं इससे रिलेटेड। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, और हमने कोई भी एसिड ले लिया, कोई भी परोक्सी एसिड लाइक सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ ओ एच, तो हमारे पास मेन प्रोडक्ट क्या बनेंगे इसमें, यहाँ हमारे पास सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच थ्री प्लस सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये देखने को मिलेगा, ये हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, अगर हम यहाँ पर इस तरह का कोई कीटोन लेते हैं जैसा आप देख रहे हैं, और ये हमने एक बेंजोइन बेंजोइक पर एसिड ये हमने ले लिया, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास ये जो कार्बोनाइल है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एस्टर में। तो जब ये एस्टर में कन्वर्ट होगा तो ये इस तरह का एक एस्टर बनाएगा, और दूसरा कंपाउंड जो बनेगा आपके पास वो बनेगा बेंजोइक एसिड। आ रही है बात समझ में? तो ये दोनों ही पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन केस अगर हमारे पास एक तरफ सी एच थ्री और एक तरफ सी टू एच फाइव होगा तो कौन सा कार्बन ज्यादा आसानी से ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए रहेगा, यहां पर रूल लिखना पड़ेगा माइग्रेशन नेचर या ऑक्सीडेशन नेचर। तो यहां जो माइग्रेशन हो रहा है नेचर वो कुछ इस तरह से हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट माइग्रेशन नेचर हमारे पास सबसे पहले जो होगा वो रहेगा यहां पर हाइड्रोजन का, देन हमारे पास रहेगा 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, फिर हमारे पास साइक्लिक एल्काइल ग्रुप, फिर उसके बाद 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप, फिर उसके बाद फिनाइल ग्रुप, यानी फिनाइल की माइग्रेशन नेचर बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन में कम हो जाती है। फिर उसके बाद हमारे पास रहेगा सबसे बाद में 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप,
और 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप में के बाद भी उसी के अंदर रहेगा हमारे मिथाइल, मिथाइल को भी हम 1 डिग्री बोलते हैं। तो चलिए ये चीज़ क्लियर है, ये माइग्रेशन नेचर होगा। तो फिर दो एग्जाम्पल हम करते हैं, देखिएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है CH3C डबल बॉन्ड O C2H5। तो बताइए यहाँ आपने पर एसिड ले रखा है या पर ऑक्सी एसिड ले रखा है, तो बताइए नेट प्रोडक्ट क्या बनेगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा। 1 डिग्री एक तरफ, एक तरफ 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री का ज़्यादा आसानी से होगा। तो आपके पास बनेगा फाइनल प्रोडक्ट दिस C डबल बॉन्ड O O C2H5। एक और एग्जाम्पल लिखिए आप, ये आपके पास एक कीटोन है लेकिन इस तरफ 2 डिग्री है, इस तरफ 3 डिग्री है, तो किसका ऑक्सीडेशन होगा। यहां यानी यहां पर भी आपने परॉक्सी एसिड ले रखा है, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट कैसा देखने को मिलेगा, इस तरह का। आ रही है बात समझ में, यानी 3 डिग्री और आपको ज्यादा ऑक्सीडेशन मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट ये रहेगा। इज दैट क्लियर। तो आप यहां पर लिख सकते हैं, ये दोनों रिएक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, करिए इसको।